नमस्कार साथियों, आपका भाई बेटा विधायक नीरज शर्मा NIT 86 फरीदाबाद। और बड़ा दुख हुआ कि कल सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया और मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि जो विभाग में सबसे भ्रष्ट अधिकारी हैं उसका नाम दफ्तर के बाहर लिखा जाएगा तो सिस्टम में सुधार आएगा। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, 200 करोड़ के घोटाले में जिन जिन के नाम आए क्या कार्रवाई हुई, हार्डवेयर जमीन घोटाले में क्या रहा, और इतने मुद्दे घोटाले के लेके मैंने उठाए, रेल की पटरियाँ तक खाली गई इस राज के अंदर, रेल की पटरियों का नहीं पता लग रहा कहाँ गई कहाँ नहीं गई, ग्रीन बेल्टों का नहीं पता लग रहा कहाँ गई कहाँ नहीं गई, और एक चुहिया भी गिरफ्तार नहीं, एक अधिकारी भी गिरफ्तार नहीं हुआ, और 200 करोड़ में से अभी तक 2 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। घोटालों को देने के लिए आपके पास 200-200 करोड़ रुपए हैं, और मेरी NIT 86 की जनता जो विकास के लिए तरस रही है, जिसकी फाइल आपके कार्यालय में आज लगभग 2 महीने से पेंडिंग पड़ी है, जबकि पर्सनली फ़ोन पे आपको नवंबर में मैं बता भी चुका हूँ, सबने साइन कर दिए, उसको देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, और सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। कल हमारी विधानसभा में माननीय मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री किशन पाल जी आए, भारत विकास यात्रा लेके आए, जबकि इस NIT 86 की जनता ने 2-2 बार किशन पाल जी को भारी बहुमतों से जिताया, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने प्यार किया, और विकास सिर्फ सेक्टर 28 का, जबकि NIT 86 की एक एक समस्या को लेके 28 करोड़ की फाइल को लेके उनको अवगत करा चुका हूँ। क्या वो रोड पे आए, उनको वो जगह नहीं दिखी, एयरफोर्स रोड पे फंक्शन था जहाँ हमारे 11 वर्षीय बेटे कुणाल की मृत्यु हो गई सीवरेज ओवरफ्लो के कारण, 7 फुट रोड का नरक नहीं दिखा। और मैं सरकार से पुनः मांग करना चाहूँगा कि तुरंत हमारी NIT 86 की 28 करोड़ की फाइल को पास करें, नहीं तो गांधी जी की विचारधारा पर चलते हुए जैसे मैंने 54 दिन पहले जूतों का त्याग किया, कपड़ों का त्याग किया, अपने स्तन पे कष्ट झेला, जब सरकार को मजबूरन होकर FIR दर्ज करानी पड़ी ये 28 करोड़ रुपए के लिए, और उससे भी तगड़ा संघर्ष करूंगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम जी।